गुला हलके से भाजपा पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने आज अपने बहुत बड़े लंबे काफिले के साथ अपना नामांकन भरा। नामांकन के दौरान राजस्थान से विधायक व पूर्व सांसद बाबा बालकनाथ, जिलाध्यक्ष मुनीश कटवार, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर सहित हजारों समर्थक मौजूद रहे। लंबे काफिले के कारण अनाज मंडी से लेकर गुहला SDM कार्यालय तक लंबा जाम लगा रहा। भाजपा और कुलवंत बाजीगर के समर्थक काफिले के आगे झूमते देखे गए। कुलवंत बाजीगर ने काफिले के दौरान हाथ जोड़कर उन्हें दोबारा मौका दिए जाने की अपील की। लोगों ने भी कहा कि गुहला हल्के की तरक्की के लिए एक बार फिर भाजपा को मौका देंगे। बाबा बालकनाथ, कुलवंत बाजीगर और जिला अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है मेरे लिए भी और गुहला हल्का के लिए भी, क्योंकि एक ऐसे संत, ऐसी शख्सियत जो मेरा नॉमिनेशन भरवाने के लिए और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, मुझे खुशी बहुत महसूस हो रही है। चुनाव आते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन इस चुनाव का नज़ारा कुछ अलग ही है, क्योंकि संतों ने जो आशीर्वाद दिया है और जो संतों ने जनता को विश्वास दिया है और जो मेरी बाजू पकड़ी है, तो मुझे विश्वास है कि मैं जनता की बातों पे खरा उतरूंगा। ऐसे में आज का माहौल है, जो क्या कहना चाहोगे, कैसा रिस्पांस मिला आपको? देखिए, रिस्पांस तो आप ये रिस्पांस तो आप लोगों का ही देख सकते हो। अभी तक जहाँ से शुरुआत हुए थे वहीं अभी फोन आ रहे हैं, अभी तो हम वहीं फंसे हुए हैं। अभी तो वापस इतना ज़्यादा बड़ा लंबा काफिला है, लोग चाहते हैं, क्योंकि यहाँ गुला चीका में आज तक जितने भी राजनीतिक पार्टियों में जितने भी राजनीतिक विधायक रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने पीछे प्लान में देखा होगा कि जब मैं विधायक बना, गुला चीका में एक भी ऑफिस नहीं था, सारे के सारे ऑफिस मैंने बनाए हैं। और गुला चीका में हॉस्पिटल छोटा सा था, हॉस्पिटल अपग्रेड कराने के बाद 2 हॉस्पिटल नए बनवाए हैं। किसानों के लिए यहाँ पानी नहीं पहुँचता था, नहरें, मारकंडा डिस्ट्रीब्यूटरी, उलाना, माइनर पहाड़पुर, माइनर पापसर, मैंने सारी सीसी की बना के टेल पे पानी मैंने पहुंचाया है। और बिजली की ज़रूरत थी, 12 पावर हाउस गुला में घोषणा करके बना के तैयार करके 24 घंटे लाइट मिल रही है, ये किसानों को फायदा दिया है। हमारा गुला चीका एक धान का कटोरा बोला जाता है, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर एक बहुत बढ़िया खुशहाल गुला हल्का, जहाँ मिट्टी पानी जाँच की लैब मांगों बरसों पुरानों मांग थी। और वो कोई भी आसपास, यहाँ इस हल्के का विधायक तो क्या, आसपास मंत्री भी रहे हैं, चाहे वो जिले में बड़े बड़े नेता भी रहे हैं, चाहे रणदीप सुरजेवाला राष्ट्रीय लीडर कहलाता है वो नहीं बनवा पाया, चाहे वो पेवा में हरमेंद्र सिंह चट्टा और वहाँ कृषि मंत्री रहे हैं जसविंदर सिंह बिल्ला भी, वो दोनों मंत्री रहे हैं कृषि मंत्री, वो भी नहीं बनवा पाए। यहाँ इन लोगों की तो मैं क्या बात कहूँ। कलायत के अंदर रामपाल माजरा, जिनका नाम लोकदल सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर में पूरा चला करता था, कहते थे उनकी तूती बोलती है, वो भी नहीं बनवा पाए। जयप्रकाश जेपी, वो जो केंद्र में मंत्री है, वो भी मिट्टी पानी जांच लैब नहीं बनवा पाए। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद और आप लोगों के सहयोग से मैंने गुला चीका में मिट्टी पानी जाँच लैब भी बनाई। अगर मैं काम गिनवाने लग जाऊँ, चाहे वो स्टेडियमों की बात करें, चाहे वो सड़कों की बात करें, चाहे वो बिल्डिंगों की बात करें, इतना विकास किया है और आज तक किसी विधायक ने 5 साल का कभी भी लेखा जोखा नहीं दिया, मैंने 5 साल का लेखा जोखा जनता के बीच में दिया। और जनता के बीच में जो दूसरे कैंडिडेट थे वो सामने इस बात से नजर झुकाते दिखे। जो टिकटार्थी थे, जो मंडल अध्यक्ष साहब, वो नजर नहीं आया। देखिए, मंडल अध्यक्ष ये मांगेराम हमारा ये मंडल में पड़ता है, क्योंकि अलग अलग मंडल की जैसे ड्यूटी है, काम सारे कर रहे हैं, मंडल अध्यक्ष ये खड़े हुए सारे के सारे हैं, टिकटार्थी भी सारे हैं, आपके सामने वीडियो भी आ रही है। पीछे उस दिन भी जब मैं टिकट लेके आया, मेरे साथ थे, बराबर खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के साथी जितने भी अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, एक भी कहीं दूर नहीं। अगर उनको टिकट मिलता मैं उनके साथ थे, आज मुझे टिकट मिला है वो मेरे साथ हैं, तो सभी मिलजुल के काम करेंगे, ये आप लोगों के सामने। देखिए अभी वो सलाह मशवरा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जब मैं टिकट लेके आया था, हजारों गाड़ियों का काफिला देके वो घबरा गए कि अब हम क्या करें, कैंडिडेट किसको उतारें, उलझे हुए हैं। और जब वो कोई भी अपने आप इकट्ठा करके जिसको उतारेंगे उसको देखेंगे। पूर्ण तरह से आश्वस्त हैं, और जैसे ही कुलवंत बाजीगर जी की टिकट की घोषणा हुई है, क्योंकि यहाँ चीका की, गुला चीका की जनता ने इनके समय पर उस विकास को अनुभव किया है, उसको भोगा है, और लोग उस विकास को याद करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। पिछले 5 वर्ष में अन्य पार्टी के विधायक बनने के कारण यहाँ पर ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा रहा, और जो विकास कुलवंत जी ने यहाँ पर कराया आज़ादी के बाद से अब तक, जो लोगों ने बताया कि अब तक का सबसे बहुत ही अच्छा विकास इस क्षेत्र में हुआ है, और अभी उसी दौर को पुनः शुरुआत करने वाली गुला चीका की जनता है। और आप ये आश्वस्त रहिए कि आने वाली तारीख को परिणाम आएगा, जीत तो सुनिश्चित है और भारी बहुमत से जीत सुनिश्चित है। योगी जी आज गुला चीका में पहुंचे हैं, ऐसे में आपको जो माहौल है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, माहौल अद्भुत है, और जिस तरह से इन्होंने जनता की सेवा की है, हर एक युवा साथी, बुजुर्ग, माताएं, महिलाएं इनको प्रेम करती हैं, इनको आशीर्वाद देते हैं, और इन्होंने जनता से जुड़कर काम किया है, और इनका जीवन और इनका चरित्र और इनका भाव और इनका कर्म
केवल और केवल जनता की सेवा है और उस भाव से ये लगे हैं और आने वाले समय पर और भी बेहतर काम करेंगे। यहाँ से जनता निश्चित रूप से इनको जिताकर भेजने वाली है, इस बात के लिए आप आश्वस्त रहिए। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है और मजबूत पार्टी के पास मजबूत कैंडिडेटों की एक फौज होती है और स्वाभाविक है जब टिकट वितरण का कोई ऐसा होता है तो छोटे मोटे ऐसे होते हैं मतभेद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बड़े अनुशासित कार्यकर्ता हैं और सभी कार्यकर्ताओं के मैं कहता हूँ मन भेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सभी साथियों से बातचीत हो गई है, सभी साथी अपने काम पर लग गए हैं और आप देखेंगे कि जब ये चुनाव शुरू होगा, आज जो नामांकन हुआ इसके बाद आप देखेंगे सभी साथी फील्ड में उतरकर सभी साथी मिलकर ये चुनाव जीतने का। देखिए आज मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी वो नामांकन भरने आए हैं और आपने भी देखा कि कितना बड़ा काफिला था और काफिले में संख्या के साथ साथ जो जोश था उन्होंने तय कर दिया कि गुला विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ जीतने वाली है। एक चारों विधानसभा में अभी तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाई। देखिए जो कांग्रेस अपने आप को कहती थी कि हम सरकार बनाने वाले हैं, आप देखिए कि वो कांग्रेस आज कितनी डरी हुई है। जो कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारने से भी डर रही है क्योंकि उसे डर है कि जिस दिन उसने कैंडिडेट डिक्लेयर करे उस दिन उनकी पार्टी खाली हो जाएगी। वो इस बात से डरे हुए हैं। जो कांग्रेस थी वो पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के पैर पकड़े कि हमारे साथ समझौता कर लें, लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने भी उन्हें नकार दिया तब भी आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने अपने काफ़ी कैंडिडेट उतार दिए, लेकिन कांग्रेस अपनी लिस्ट उतारने से घबरा रही है। आप देखिए कि बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के अपने आप को कहते थे कि टिकटें हमारी जेबों के अंदर है, जैसे कि विधायक कुलवंत जी ने बताया कि जब इनका काफिला कैथल से चला था तो यहाँ के टिकटार्थी एक दूसरे का नाम रखने लग गए कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये टिकट आप आम आदमी पार्टी को दे दें। ये इस विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस ने कहा था कि हम ये टिकट भी आम आदमी पार्टी को देने का काम करेंगे। तो इस प्रकार की घबराहट आज कांग्रेस के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज माहौल है। जिस प्रकार का आपने आज माहौल देखा और आप सभी साथी घूमने वाले साथी हैं, ग्राउंड पे जाने वाले साथी हैं, आपने देखा कि आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और गुला की सम्मानित जनता ने यह तय कर लिया है कि वो कुलवंत बाजीगर को विधायक बनाने वाले हैं और आदरणीय नायब सैनी जी को इस प्रदेश का फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मनभेद नहीं है, मतभेद भी नहीं है, लेकिन फिर छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कैथल की बात की जाए, आपके काफी नेता हैं जो रणदीप सुरजेवाला के समर्थन में जा चुके हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कोई प्राथमिक सदस्य या किसी भी पद पर रहने वाला सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ा। कुछ साथी नाराज थे, उनसे बातचीत करके उन्हें मना लिया गया है और चुनाव के अंदर अभी थोड़ा समय है, इसलिए सभी साथियों की अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई है ताकि ये पूरा जो जिला है या विधानसभा है वो कवर हो सके। तो सभी साथी अपनी अपनी ड्यूटियों पर लगे हुए हैं। आप देखोगे कि सभी साथी मिलकर फील्ड में उतरेंगे और जब 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को गिनती होगी तो कैथल जिले की हम चारों की चार सीट जीतने का काम करेंगे।